पेरेंट्स। ये है आउटफिट आज के लिए, क्योंकि आज पूरा दिन हम घूम रहे हैं और आज का वेदर है सनी एंड आई एम सो हैप्पी बाय द वे, क्योंकि अगर सनी वेदर होता है तो पिक्चर्स अच्छे आते हैं और घूमने का मन होता है। जैसे कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो ज़्यादा मन नहीं होता है बारिश में घूमने का, बट एनीवेज पेरिस बारिश में भी बहुत ब्यूटीफुल है, इट इज़ सो लवली सिटी ऑनेस्टली। और जो लोग बोलते हैं ना द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ फॉर अ रीज़न मैन, उनकी फैशन सेंस इट्स लाइक जस्ट अमेजिंग वाओ। तो उनके साथ थोड़ा लेवल मिलाने के लिए मैंने भी कुछ ऐसा पहना है। कुछ इस तरह से मैं रेडी हुई हूँ, लेट्स शो द लुक ओवर हियर। मैं बाल स्ट्रेट करने वाली थी बट आई डोंट नो फॉर सम रीजन ये कर्ली ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे ही रख रही हूँ इसको। गुड मॉर्निंग, डे टू फ्रॉम पेरिस। और आज मैं जहाँ पे आई हूँ उसका नाम है आर्क डी ट्रायम्फ, जो यहाँ मेरे पीछे है, बहुत ही प्रिटी है। और एक्चुअली मुझे इसको प्रोनाउंस करके नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रेंच में ऑब्वियसली इसको कुछ और बोलते होंगे, लेकिन मैं इंग्लिश के हिसाब से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो आई थिंक आर्क डी ट्रायम्फ, दैट्स व्हाट दे कॉल इट। तो ये बहुत बड़ा सा है, देखिए एकदम इंडिया गेट जैसा लग रहा है, बट इंडिया गेट नहीं है ऑब्वियसली, पेरिस है ये, तो बहुत सही है। अब उधर भी जाके मैं थोड़े से पिक्चर्स क्लिक करूँगी। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, एक्सट्रीमली प्रिटी। और आज का वेदर बहुत अच्छा है, आई होप मैं जिंक्स ना कर दूँ। रुकेंगे कभी कभी, अबे हाँ, जो एकदम स्पीड में आते हैं वो ऐसे लगता है कि ये लोग नहीं रुकेंगे। लंदन में थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, इनका ट्रैफिक है ना बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, इतना हॉर्न बजाता है इतना, मतलब गाइस मैं यहाँ पे पिक्चर क्लिक करवाना चाहती हूँ इसके लिए। आप लोग अभी कॉफी पी रहे हैं तो खुद कुछ नहीं लेगा है ना। अगेन हाउ डज इट कैफे क्रेम कॉफी विद मिल्क, कैफे क्रेम कॉफी विद मिल्क, वाला कॉफी विद मिल्क और शुक्रा शुक्रा। ओके आई वांट टू हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट या ओके एंड टू ऑफ हॉट चॉकलेट या दिस वन, ओके परफेक्ट, ओके थैंक यू शुक्रा या या Only one pen of chocolate. Okay, madam. One pen of chocolate. This chocolate. Yeah, yeah. Cheers. Thank you. हमें बहुत hard language है. Oh my god. So ये और चॉकलेट नहीं, उसने कैसे बोला चॉकलेट विद मिल्क, चॉकलेट विद मिल्क, और ये है पिन चॉकलेट। बढ़िया स्ट्रीट में हूँ, इसका नाम है ट्रैम्स एल्सिस। ये एक मार्केट है जो सारे ब्रांड्स के लिए मशहूर है, बहुत बड़ा सा ये दोनों तरफ है और काफ़ी सारे उस तरफ भी ऐसी ऐसी ब्रांड्स है जो मेरे को पता भी नहीं है, और कुछ ऐसी ब्रांड्स जैसे लुई विटॉन फिर बॉस वो सारे का यहाँ पे है, अरमानी वगैरह सबका है यहाँ पे। पैसे तो नहीं ले रहे सच में लुई विटॉन में जाना है, नहीं बे देख वो सब चेकिंग करते हैं। हाँ
हम यहाँ पे नहीं, हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे लुई विटो, हम यहाँ से खरीद लेते हैं, ये अपना बजट है। यहाँ पे क्रूज़ के लिए आया है, क्रूज़ में जाना है, जो रिवर सेन है यहाँ पे उसमें बैठना है। आई डोंट नो इवन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम्स करेक्टली और नॉट, क्योंकि व्हाट द फ्रंट नेम्स है पता नहीं, पर मुझे जैसे समझ में आ रहा है वैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो कोई ऐसे कमेंट में लिखना मत कि गलत बोल रही है ये है, क्योंकि जो जितना मुझे समझ में आ रहा है उतना मैं बता रही हूँ। एनीवेज तो एफिल टावर उधर है और हम वहाँ पर जाएंगे शाम को, तब तक यहाँ घूम रहे हैं। और इतना मतलब अच्छा सीज़न हो रखा है, एकदम ऑटम है, आप देखिए मेरे पीछे सारी ये स्ट्रीट्स, इतना मस्त हो रखा है, बहुत सही लग रहा है। और एकदम जो लीव्स है ना, मतलब ये बेस्ट सीज़न है अक्टूबर, क्योंकि ऑटम के टाइम पे ना ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे प्रिटी होता है, तो सही में बहुत बहुत मज़ा आ रही है। और मतलब मुझे ऑटम सच में बहुत अच्छा लगता है, तो उसके हिसाब से पिक्चर्स भी अच्छा आ रहे हैं और वाइब्स भी बहुत अच्छी है, एकदम पेरिस वाली जो प्रॉपर वाइब्स जो है वो आ रही है, तो इट्स रियली 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 प्रिटी, कैन सी बिहाइंड मी, इट्स सो प्रिटी, आई जस्ट कांट बिलीव कि मैं पेरिस में आ चुकी हूँ, जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लंदन, पेरिस, अभी न्यूयॉर्क रह गया बस, तो वो भी जल्दी हो जाएगा। एनीवेज तो ये है टिकट, तू पढ़ा रहे मारे ना, और इस पे हम जाने वाले हैं, ये है हमारी सवारी। लास्ट वाले में बैठ जाते हैं, कौन सी खिड़की है इसका व्यू कहाँ से अच्छा आएगा? Welcome on board the Bateau Mouche. Thank you for choosing our company to discover Paris from the Seine. The Bateau Mouche invite you to take a trip across Paris. तो हेलो गाइस, अभी बज रहे 5 और अभी हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर रहे हैं, तो मैंने एक क्रिप्स खाया और अभी हमें मतलब जाना है आधे घंटे में एफिल टावर ऑब्जर्वेटरी ऊपर, तो इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। और ये जो है ना, ये स्ट्रीट है पूरी पेरिस की, इतनी अच्छी स्ट्रीट है, मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, यहाँ पर इतने सारे कैफ़े हैं, मतलब हर एक स्ट्रीट में 10 कैफ़े तो मिनिमम आपको दिख जाएंगे आमने सामने, तो बहुत सही है। मतलब तो हमारी एंट्री हो चुकी है, लेट्स गो। स्टेयर्स के लिए देखो बिल्कुल लाइन नहीं है, और उधर एलिवेटर के लिए देख लाइन, देखा ये सब होता है। गाइस ऐसे चल के जा रहे हैं हम लोग, एलिवेटर्स की टिकट मिली नहीं, और $600 या $650 से कोई, मतलब दो फ्लोर चढ़ करके अब जाके
हम पहुंच गए सेकंड फ्लोर पे और ये व्यू है, मस्त लग रहा है। सो गाइस, ये व्यू देखिए आप, दिस इज लाइक सो इनक्रेडिबल। माय हेयर इज सो प्रिटी। पूरे पेरिस का व्यू आ रहा है, जस्ट मैजिकल। बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए हैं और वो जो टावर है ना, वहाँ से भी वो वाला जो टावर इधर दिख रहा है, वो टावर से पूरे मतलब एफिल टावर का व्यू आता है। ये है एफिल टावर और अभी हम लोग नीचे आ गए और बहुत ही अच्छा व्यू था, बहुत ही सारे पिक्चर्स क्लिक किए, बहुत सारे वीडियोज भी लिए। ऑनेस्टली ट्रस्ट मी गाइज, पेरिस में एफिल टावर फ्लोर टू, एटलीस्ट फ्लोर टू तक तो जाना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यू आता है ना, इट इज़ सो मैजिकल, लाइक इतना प्रिटी लगता है। और टिकट्स थी 11 यूरोज़ की, जो मतलब अगर पाउंड्स में कन्वर्ट करता है तो 10 पाउंड्स मतलब वसूल है 10 पाउंड्स में। इट्स सो नाइस, हमने स्टेप्स लिए थे क्योंकि एलिवेटर में 2-3 घंटे की लाइन है, तो एलिवेटर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एलिवेटर नहीं, आप सीढ़ियाँ चढ़ के ही जा सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दर्द होता है बस, पर ठीक है, वर्थ इट है, इट्स वर्थ इट, इट्स सो ब्यूटिफुल। जस्ट कांट बिलीव मैंने एफिल टावर में मैं जाके आई, इट्स सो प्रिटी। अभी हम उस तरफ जाएंगे ताकि एफिल टावर का ये जो पूरा व्यू है ना, ये पूरा व्यू है। अबे देख वो ऊपर से कितना मस्त लग रहा है। पास्ता, पिज्जा, पिना कोलाडा, वर्जिन मोहितो एंड सम ब्रेड्स विद अ लवली व्यू आउटसाइड। सो आई एम रेडी, दिस इज माय फाइनल लुक। लवर म्यूजियम और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये सारी म्यूजियम के लिए लाइन है, सारी की सारी। हेलो, तो हम अंदर आए हैं यहाँ पे। सो ये जो मेरे पीछे है, ये है लवर म्यूजियम, एक उधर है और एक छोटा सा उधर है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे आप देखिए, ये मेरे पीछे ये सारी लाइन है अंदर जाने के लिए और टिकट्स मिल नहीं रही है। सो मैंने कल रात को भी ट्राई किया था पर फिर भी नहीं मिल रहा था और अभी भी नहीं मिल रहा है। और बारिश इतनी ज़्यादा है कि इस लाइन में मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा रुकना पड़ेगा, और ऐसी बारिश में रुकना आई थिंक इट्स नॉट नाइस, क्योंकि फिर ठंड लग जाएगी। तो पता नहीं, अभी देखते हैं क्या करना है। बट वेल, ये है जहाँ पे फेमस मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो है इसके अंदर, और भी बहुत सारे आर्टिस्टिक पेंटिंग्स है। तो आर्टिस्ट लोगों के लिए ये जगह बिल्कुल सही है,
बट आई विल एडवाइस कि अगर आपको अंदर जाना है म्यूजियम के तो प्लीज़ प्री टिकट्स बुक कीजिए, मेरे जैसा मत कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद हो जाएगा, बट अगर टिकट्स बुक भी करते हैं फिर भी लाइन में तो खड़ा रहना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ट्यूसडे ये बंद होता है, तो मंडे वेनसडे ये दो ही दिन थे हमारे पास, मंडे हमें टाइम नहीं मिला, हम हाफ डे पे आए थे और कल का पूरा दिन हम घूमे, तो एनीवेज बट इट्स रियली प्रीटी। सो ये अट्रैक्शन टिक ऑफ हो गया है बकेट लिस्ट में से, अभी चलते हैं शॉपिंग के लिए। तो हम लोग अभी मार्केट में घूम रहे हैं यहाँ पे, वैसे मार्केट में ऐसा है कि कुछ खुला है कुछ बंद है और फिर कुछ ऐसे स्ट्रीट्स में होते हैं, तो जहाँ पे क्या रहता है कि जो सुविनर्स वगैरह लेना होगा आप लोगों को आप वो ले सकते हैं, और बहुत सारे मतलब ऐसे सुविनर्स एफिल टावर के पास भी है तो वो काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं वहाँ पे, तो आप लोग वहाँ से भी कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मतलब रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है, जगह भी है, तो व्यू तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, आप देखिए सो प्रिटी। और एक चीज़ है पेरिस में जो आपको ट्राई करनी चाहिए वो है यहाँ की जो चॉकलेट्स और यहाँ के जो मतलब क्रिप्स वगैरह, मतलब बेसिकली डिज़र्ट्स, यहाँ के डिज़र्ट्स बहुत बहुत ही प्रिटी है, तो आप वो ज़रूर 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 ट्राई कीजिए, हॉट चॉकलेट ट्राई कीजिए, क्रोसान्स ट्राई कीजिए, सारे जो फ्रेंच ब्रेड है काफ़ी फेमस है वर्ल्ड में। तो ये वाला मैं ले रही हूँ मेरे भाई के लिए, उसको मफलर चाहिए, तो मैं भी कुछ शॉपिंग कर रही हूँ यहाँ से। मुझे मोबाइल चाहिए होगा। ऑर्डर किया है तूने? ये नहीं, जो मंगा है ये ब्लैक कॉफी विद क्रीम, ये बोल रहा है नई आइटम ट्राई करते हैं, इसने मेरे को भी डुबाया, मैंने भी ये ऑर्डर किया है। मैं क्या बोला? तो ये है नोट्रे डेम, जो बिफोर सनराइज में देखा था, तब से मुझे आना था यहाँ पे, ये अभी ये कंस्ट्रक्शन में है, तो ये बन रहा है बेसिकली, बट इट इज़ सो नाइस, फाइनली मैंने नोट्रे डेम देख लिया। और यहाँ पे देखिए नमस्ते पेरिस, एक इंडियन रेस्टोरेंट। और करूँ तो गाइस मैंने ये शॉपिंग किया है, मैंने एक जैकेट लिया है, सस्ते में मिल गया लेकिन पेरिस से, तो एक खरीदना था, और अभी हम लोग और देख रहे हैं थोड़ा शॉपिंग के लिए। गाइस तो मैं यहाँ नोट्रे डेम के पास हूँ, यू कैन सी बिहाइंड मी, इट इज़ सो प्रिटी, सच अ शेम कि मैं अंदर नहीं जा पा रही क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट बहुत पास से मैंने नोट्रे डेम देख लिया, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। तो गाइज फाइनल डे पेरिस में बहुत ही अच्छा गया है, बहुत सारी मतलब रिमोट जो स्ट्रीट्स है वो एक्सप्लोर की, नोट्रे डेम देखा, फिर सेंट जर्मेन जो है वो देखा, तो मतलब बहुत बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीट्स में हम घूमे, और मोस्टली शॉपिंग के पर्पज़ से, क्योंकि शॉपिंग के लिए देखना था कि क्या क्या है यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी है कैसे लगता है और पैसा कमाना पड़ेगा, बट ओवरऑल पेरिस इज़ रियली ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छी सिटी है, और मैंने मतलब लोगों के रिव्यूज़ सुने थे कि पेरिस बहुत गंदा है, ये है वो है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट पेरिस बहुत ब्यूटिफुल है, और गंदगी हर जगह होती है ठीक है, तो पर उतना गंदा नहीं है जैसे रिव्यूज़ मुझे मिले थे वैसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है, वो लोग बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ अ बिग फस अबाउट पेरिस, टू बी ऑनेस्ट बहुत प्रिटी है, और हर एक स्ट्रीट मतलब अलग है यहाँ पे, अलग दिख, ऐसे जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत प्रिटी है, बहुत डिफरेंट है लंदन से ऑब्वियसली, तो मैं तो वही दोबारा यहाँ आऊँगी ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगा,
बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम बहुत रॉकिंग हुआ और ऐसी स्ट्रीट्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इतनी लाइट्स अच्छी लगती है, एकदम येलो लाइट्स. तो रियली इट्स सो ब्यूटिफुल. तो मुझे तो बहुत मज़ा आई सिटी ऑफ लव में. और आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये ब्लॉग कैसा लगा. बहुत ट्राई किया है कि सब कुछ दिखाओ आप लोगों को, बट मैं भी टूरिस्ट हूँ तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर पाऊँगी. बट एज ए टूरिस्ट मैंने बहुत मतलब बहुत इन्जॉय किया है इस ट्रिप पर. तो मिलते हैं जल्दी एम्स्टरडेम वाले ब्लॉग में. एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब. डू सब्सक्राइब गाइज, 20,000 के करना है जल्दी. तो आई एम काउंटिंग ऑन इट. कम ऑन, वी कैन डू इट.